लौटा देते हैं, पैसा था उसके पास, खून बेचकर लाया होगा ना। नीतीश कुमार किसी का है नहीं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव आज अपने सभी विधायकों को लेकर गोपालगंज कूच करने वाले हैं, और उससे पहले की ये तस्वीरें जो हैं हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरीके से सुरक्षा बलों की तैनाती कर दी गई है चारों तरफ, और जो विधायक आ रहे हैं उन सभी का यह कहना है कि हम तो जाएंगे, क्योंकि अगर हम बात करें इजाज़त की तो समन्वय की तरफ से जो आदेश जारी हुआ है उसमें साफ साफ बताया गया है कि इस वक्त किसी भी तरीके की राजनीतिक हलचल जो है वो नहीं हो सकती है। जो इस वक्त महामारी चल रही है, लॉकडाउन की अवधि अभी खत्म नहीं हुई है, तो इस दौरान आप इतनी भारी संख्या में एक ज़िले से दूसरे ज़िले तक नहीं जा सकते हैं, इसकी इजाज़त नहीं मिली है। फिर भी जो आरजेडी के विधायक हैं वो साफ साफ कह रहे हैं कि हम तो जाएंगे। जरा सुनिए, आरजेडी के विधायक राजेंद्र राम और सुरेंद्र यादव से जब हमने बातचीत की है तो क्या कुछ कहे थे? पूरी ख्याल रखते हुए तब हम लोग जाने का काम। लॉकडाउन की पूर्ण रूप से ख्याल रखते हुए हम सबको वहाँ जाना है। समन्वय ने चिट्ठी निकाली है, कहा कि अभी राजनीतिक कार्यक्रम जो है वो नहीं हो सकता। विधायक जी, आप देखिए, राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, यह कार्यक्रम जनहित की है, और जनहित के मुद्दे पर है। जब हत्याएं हो रही है, यह राक्षसी सरकार लगातार हत्या हो रही है और संज्ञान नहीं ले रही है, तो निश्चित तौर पर यह राजनीतिकरण मैं नहीं कर रहा हूँ, यह राजनीतिकरण यह सरकार कर रही है कि इजाज़त नहीं दे रही है हम लोग को जाने का। आरजेडी विधायक सुरेंद्र यादव जी हमारे साथ हैं। अच्छा, आज गोपालगंज जाने की बात हो रही है, कहा जा रहा है कि सरकार ने परमिशन नहीं दिया। ऐसा है, महात्मा गांधी को भी अंग्रेज परमिशन नहीं दिया था, तो देश में आज़ादी के लिए महात्मा गांधी निकले थे कि नहीं? तो क्या लग रहा है, मतलब बिहार गुलाम हो गया क्या? बिहार में रह क्या गया है? 15 साल जंगल राज, लालू राज, राबड़ी राज, भय दिखाकर बिहार को बर्बाद कर दिया है। क्या पूरे बिहार में भी स्थिति पैदा हो गया है लॉकडाउन से? क्या दिया है नीतीश कुमार जी ने? यही ना कि एक बच्ची ला रहा है साइकिल से अपने बीमार पिता को, क्यों ट्रेन का पैसा लिया, क्यों बस का पैसा? वो तो कहते कि फिर हम पैसा लौटा भी देते हैं, आते हैं लौटा देते हैं, पैसा था उसके पास, खून बेचकर लाया होगा ना। नीतीश कुमार किसी का है नहीं। तो क्या होता है, आज सभी विधायकों का एकजुटता दिखेगा, मतलब बाहर में? तो अभी तो देख ही रहे हैं कि सब जुट रहा है, और सब सारे लोग जुट जाएंगे। सामने में ही एक अन्य मार्ग है, क्या ताकत दिखा देंगे यहीं से? ना, एक अन्य मार्ग को हम कल ताकत दिखाएंगे, जनता दिखा देगा, देखिए जनता जो है वो ताकत दिखा देगी। साफ साफ आरजेडी विधायक सुरेंद्र यादव हमारे साथ थे, और क्या कुछ इन्होंने कहा है आपने सुना है। बिहार में जो हो रहा है, और माननीय मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं, और वैसे क्रिमिनल लोग को पोस रहे हैं, गुंडे लोग को पोस रहे हैं, ये बिहार के लिए अच्छी बात नहीं है, लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। हत्या करने वाले को तरजीह दे रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, हम उसका विरोध करते हैं, और विरोध जताने के लिए अहिंसात्मक तरीके से हम लोग विरोध जाहिर करते हैं। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर जरूर लाइव स्ट्रीम को फॉलो करें। धन्यवाद।